हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आपको हमने पहले बता दिया था कि आपको फतेहपुर में भी TGT PGT की ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग मिलेगी, और एडमिशन लेने के लिए हमको आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, जो कि आपको हम अपना मोबाइल नंबर अवगत करा देते हैं। सबसे पहले हमारा मोबाइल नंबर है 6386 34 31 03। आप हमको इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज जो आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, तो मैं आज कुछ खास टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं मित्रों। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कला के प्रकार। मित्रों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कला के प्रकार। जी मित्रों, मैं आज आपको कला के प्रकार बता रहा हूँ। तो हम कला की चर्चा करते हैं कि हमारी कला के जो निम्नलिखित प्रकार हैं और कला को हम किन किन माध्यमों के बारे में जानते हैं, और उस पर मैं डिस्कस करूँगा। जैसे सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ नंबर एक, स्थापत्य कला। जैसे स्थापत्य कला के बारे में हम क्या जानते हैं वो मैं आपको अवगत करा दूं। तो स्थापत्य कला हमारी कहाँ कहाँ की जाती है, जैसे भवन निर्माण, और मंदिर निर्माण, और दुर्ग निर्माण, और चैत्य निर्माण। चैत्य निर्माण आदि जगहों पर स्थापत्य कला की जाती है। अगर नेक्स्ट में दूसरे के बारे में बात करता हूं, नंबर दो, मूर्ति कला के बारे में जानते हैं हम। मूर्ति कला है, तो मित्रों मैं बताता हूँ कि मूर्ति कला कहाँ पर की जाती है, और मूर्ति कला किन किन कहाँ कहाँ पर की जाती है, और किस किस चीज पर बनाई जाती है। जैसे पत्थर और धातु की छोटी बड़ी मूर्तियां, अर्थात मूर्ति कला हम लोग पत्थर पर धातु की जो छोटी बड़ी मूर्तियां होती हैं उसको हम मूर्ति कला के नाम से जानते हैं। और मैं बात करता हूं मृद भाण की कला। नंबर तीन, मृद भाण की कला, मृद भाण कला, इसको हम किन किन माध्यमों में करते हैं, इसको हम मृद भाण की कला है इसको हम किस किस माध्यम पर करते हैं। जो मृद भाणों की कला है, अर्थात यह मिट्टी के जो बने हुए बर्तन होते हैं, मिट्टी की जो कलाकृतियां होती हैं, उनको हम मृद भाण की कला कहते हैं, अर्थात चित्रकला। नंबर चार, चित्रकला के बारे में मित्रों क्या जानते हैं, चित्रपाक कला हमारी जो कहाँ कहाँ किया जाती है, तो इसके बारे में अगर चर्चा करता हूँ, तो सबसे पहले चित्रकला भवन की भित्ति पर और कागज पर और वस्त्र पर आदि जगहों पर हम लोग चित्रकला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट जो पांच नंबर की कला है हमारी, मुद्रण कला। मुद्रा कला
इसको हम कहा करते हैं मित्रों, मुद्रा कला जो है हमारी, यह सिक्के पर और जैसे सिक्के पर हो गया और मोहरों पर जो डिजाइन होती है उसे हम मुद्रण कला कहते हैं। दोस्तों जैसे कि एक बार पुनः रिपीट करता हूं, स्थापत्य कला भवन जो स्थापत्य कला होती है, यह भवन निर्माण एवं मंदिर दुर्ग चैत आदि जगहों पर ये की जाती है और इसी को हम स्थापत्य कला के नाम से जानते हैं। मूर्ति कला, यह पत्थर की जो छोटी बड़ी मूर्तियां होती है, जो पत्थर की छोटी बड़ी मूर्तियां होती है उसको हम मूर्ति कला के नाम से जानते हैं। और मृत भाण की जो कला है, यह मिट्टी की जो छोटी बड़ी कलाकृतियां होती है, जो मिट्टी के पात्र पर कार्य किया जाता है उसको हम मृत भाण की कला कहते हैं। और जो चित्रकला होती है मित्रों, तो चित्रकला भवन की भित्तियों पर और कागज पर, वस्त्रों पर और भोजपत्र पर मित्रों इसका चित्रण कार्य किया जाता है। नेक्स्ट मुद्रण कला, जो सिक्के एवं मोहरों पर जो डिजाइन होती है उसको हम मुद्रण कला कहते हैं। तो मित्रों मैं बढ़ता हूँ आगे इसी के, तो आप जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अर्थात जिसको लिखना तो लिख लीजिए, तो मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ मित्रों। जी दोस्तों अब मैं इसके आगे चर्चा करता हूँ। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी कलाएं होती हैं कि जो जिस पदार्थ से बनती है उसको हम उसी नाम से जानते हैं, जैसे प्रस्तर कला, जो प्रस्तर कला होती है हमारे मित्रों, यह जो है पत्थर की, पत्थर से जो गढ़ी हुई मूर्तियां होती है, किससे भैया, पत्थर से, गढ़ी हुई मूर्तियां, उसे हम प्रस्तर कला के नाम से जानते हैं। प्रस्तर कला किसे कहते हैं, जो पत्थर से गढ़ी हुई मूर्तियां होती हैं उनको हम प्रस्तर कला के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम दूसरा जानते हैं धातु कला। नेक्स्ट धातु कला जो हमारी है, धातु कला हम किसे कहते हैं, जो कांसे या तांबे की गढ़ी हुई मूर्तियां होती है, कांसे या तांबे की गढ़ी हुई मूर्तियां होती है उसको हम धातु कला के नाम से जानते हैं। प्रस्तर कला, जो पत्थर से निर्मित मूर्तियां होती है उसको हम प्रस्तर कला कहते हैं। और धातु कला, जो कांसे या तांबे की गढ़ी हुई कलाकृतियां होती हैं उसको हम जो है धातु कला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो दंत कला है, दंत कला, ये जो दंत कला है इसका मतलब होता है जो हाथी के जो दांत पर निर्मित कलाकृतियां होती हैं, दांत पर निर्मित कलाकृतियां, निर्मित कलाकृतियां जो होती हैं उसको हम दंत कला के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट मृत्तिका कला इसको हम किस नाम से जानते हैं, इस मृत्तिका कला का मतलब क्या होता है, जो मिट्टी से निर्मित मूर्तियां होती हैं, जो
मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां होती है। जो मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां होती हैं उसको मृतिका कला कहते हैं मित्रों। तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक बार और समझ लीजिए, प्रस्तर कला हम उसे कहते हैं जो पत्थर से गढ़ी हुई मूर्तियां होती है उसको हम प्रस्तर कला कहते हैं। धातु कला जो कांसे या तांबे की गढ़ी हुई कलाकृतियां होती है उसको हम धातु कला के नाम से जानते हैं। दंत कला जो हाथी के दांत पर निर्मित कलाकृतियां होती हैं उनको हम दंत कला के नाम से जानते हैं। मृतिका कला जो मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां होती हैं उसको हम मृतिका कला के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसको जिसको नोट करना नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीन शॉट लेना स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब मैं इसी के आगे टॉपिक बढ़ता हूँ। जी दोस्तों, अब मैं अभी आपने देखा कला के प्रकार, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, मुद्रण कला और इत्यादि मैंने जो बताया। अब मैं चर्चा करता हूं मूर्ति कला। मूर्ति कला के दो प्रकार से जानते हैं, जैसे नंबर एक हाई रिलीफ, हाई हाई रिलीफ। हाई रिलीफ के अंतर्गत मित्रों क्या आता है मैं चर्चा करता हूं। अगर हाई रिलीफ के अंतर्गत मित्रों जो भी आता है मैं आपसे बता रहा हूं यहां पर, इसमें मूर्तियों को इसमें मूर्तियों को अधिक तराशा जाता है, अधिक तराशा जाता है, इसीलिए इसीलिए मूर्ति उभर आती है। मित्रों हाई रिलीफ के अंतर्गत क्या था इसमें मैंने लिखा है, इसमें मूर्तियों को अधिक तराशा जाता है इसीलिए मूर्तियां उभर आती हैं, पर इसी को हम हाई रिलीफ कहते हैं। और एक होता है मित्रों लो रिलीफ, लो रिलीफ। लो रिलीफ के अंतर्गत क्या आता है भैया, इसमें मूर्तियों को कम तराशा जाता है इसीलिए मूर्ति में चपटापन होता है, चपटापन होता है। अर्थात हाई रिलीफ जिसमें मूर्ति को अधिक तराशा जाता है, हाई रिलीफ में अधिक मूर्ति को तराशा जाता है, और लो रिलीफ में क्या होता है भैया, मूर्ति को कम तराशा जाता है इसीलिए इसमें चपटापन होता है। तो मित्रों ये बात मेरी समझ में आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। अगर समझ में आ गई है तो नोट कर लीजिए या किसी भी स्क्रीन शॉट लेना तो ले लीजिए। अब मैं नेक्स्ट इसी के आगे टॉपिक में बढ़ता हूँ, तब तक आप। जी दोस्तों मैं अभी इसी के आगे बात करता हूँ आपसे। जो हमारे संस्कृत के प्रकांड विद्वान पाणिनि जी के बारे में थोड़ा चर्चा करता हूं। जो पाणिनि द्वारा
रचित अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी में कला को शिल्प के नाम से जाना गया है। तो पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में कला को शिल्प के नाम से जाना गया है और शिल्प को अष्टाध्यायी के अनुसार या पाणिनि के अनुसार शिल्प को दो भागों में बांटा गया है। जो शिल्प है इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, जो नंबर एक पर भी यह कारुकला, कारुकला नंबर दो चारुकला, अर्थात इसका मतलब होता है उपयोगी कला। और इसका मतलब होता भैया ललित कला। ये जो उपयोगी कला है इसका आशय क्या होता है? मानव के जीवन में भौतिक सुखों का बोध कराती है, भौतिक सुखों का बोध कराती है, उसे हम उपयोगी कला कहते हैं। उपयोगी कला का मतलब होता है मानव के जीवन में जो भौतिक सुखों का आनंद कराती है, बोध कराती है, उसे हम उपयोगी कला कहते हैं। अर्थात जो ललित कला है इसका आशय क्या है इसके बारे में बताया गया है। इस सौंदर्य प्रधान कला होती है, अर्थात पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में कला को शिल्प के नाम से जाना गया है और शिल्प को दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक और नंबर दो। नंबर एक कारुकला, नंबर दो चारुकला। कारुकला का मतलब होता भैया उपयोगी कला और चारुकला का मतलब होता ललित कला। उपयोगी कला का मतलब क्या होता है? मानव के जीवन में भौतिक सुखों का जो आनंद रहती है उसे हम उपयोगी कला कहते हैं और चारुकला होती है वह ललित कला के दायरे में आती है। अर्थात जो ललित कला होती है ये सौंदर्य प्रधान कला होती है। जिसको नोट करना नोट कर लीजिए और जिसको साइड स्क्रीन लेना ले लीजिए। अब मैं इसी के आगे टॉपिक में बढ़ता हूँ। जी मित्रों, अब मैं इसी के आगे बात करता हूँ। तो एक हमारी बुक है कौशिकी ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, इसमें भैया क्या कहा गया है? इसमें भैया संगीत को शिल्प कहा गया है, संगीत को शिल्प कहा गया है। कौशिकी जो ब्राह्मण है ये पुस्तक भी है, जो कौशिकी ब्राह्मण है इसमें संगीत को शिल्प के नाम से जाना गया है। हमारी बात समझ में आ गई? और इसी के तत्पश्चात कुछ पश्चात विद्वानों ने जो है, जो पश्चात विद्वान थे, मतलब वो सॉरी पश्चात विद्वानों के अनुसार ललित कलाएं
पांच प्रकार की मानी गई है भैया। जैसे नंबर एक, इनको मैं क्रमबद्ध में क्रमानुसार में बता रहा हूँ, इनका कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है मित्रों, तो मैं इसको क्रमबद्ध बता रहा हूँ। जैसे नंबर प्रथम में आती है काव्य कला, काव्य कला। नंबर दो, काव्य कला के बाद संगीत कला, इसके बाद आती है हमारी चित्रकला। फिर मूर्ति कला और नंबर पांच जो होती हमारी स्थापत्य कला। काव्य कला जो होती भैया ये अर्थ प्रधान होती है, अर्थ प्रधान होती है। संगीत कला जो होती है यह ध्वनि प्रधान होती है। और चित्रकला और मूर्तिकला और स्थापत्य कला, चित्रकला मूर्तिकला और स्थापत्य कला यह भैया रूप प्रधान कला होती है। एक बार फिर समझ लीजिए, कौशिकी ब्राह्मण में संगीत को शिल्प के नाम से जाना गया है और पश्चात भी दोनों के अनुसार ललित कलाओं को पांच प्रकार की मानी गई है। नंबर एक काव्य कला, नंबर दो संगीत कला, चित्रकला मूर्ति कला और स्थापत्य कला। और इनका मतलब क्या होता है, काव्य कला का मतलब होता है भैया काव्य कला अर्थ प्रधान होती है और संगीत कला ध्वनि प्रधान होती है और चित्रकला मूर्ति कला स्थापत्य कला यह रूप प्रधान कला होती है। तो दोस्तों मैं आज इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट अगले वीडियो में। और मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि अपने फतेहपुर जिले में भी आपको डिजिट पीजीटी की ऑफलाइन कोचिंग मिलेगी। आप हमको संपर्क कर सकते हैं दिए गए मोबाइल नंबर पर। एक बार मोबाइल नंबर अपना फिर रिपीट कर रहे हैं, 6386341303 पर हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।